बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हफ्सा हैंडमेड रेसिपीज़। अल्लाह पाक आपको इसके हलाल खाने और कमाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ ईद उल अज़हा के हवाले से क्रीमी केक की रेसिपी शेयर करूंगी। चले आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए एक बर्तन लेंगे, इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख लेंगे। सबसे पहले केक का मिक्सचर तैयार कर लेंगे, इसके लिए एक जग लेंगे, इसमें 1 कप चीनी शामिल कर लेंगे। चीनी के बाद 2 अंडे शामिल कर लेंगे। इसके बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। इस बकरा ईद पर नमकीन के साथ कुछ मीठा हो जाए और एक बार इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ब्लेंड हो जाने के बाद इसमें 1/2 कप घी शामिल कर लेंगे। इसके बाद इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड हो जाने के बाद इसमें 1 कप दूध शामिल करेंगे। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडर ऑफ करने के बाद एक बर्तन लेंगे, इसमें सारा मिक्सचर निकाल लेंगे। बर्तन में निकालने के बाद 1 कप मैदा शामिल कर लेंगे। मैदा डालने के बाद 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा शामिल कर लेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। एक पैन लेंगे, इसको मैंने पहले से ही ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब इसमें सारा मिक्सचर शामिल कर लेंगे। शामिल करने के बाद अब इसको 1 से 2 दफ़ा टैप करेंगे। अब इसको पकने के लिए जो बर्तन हमने पहले से ही रखा था उसमें रख लेंगे। अब इसको कवर कर लेंगे और 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, 1 घंटे के बाद हमारा केक तैयार हो चुका है। अब इसको पैन से बाहर निकाल लेंगे। छुरी की मदद से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद अब इस पर व्हिपिंग क्रीम लगा लेंगे। अब इसके बाद दूसरा हिस्सा इसके ऊपर वापस रख लेंगे। अब इस पर भी चम्मच की मदद से हम व्हिपिंग क्रीम लगा लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा क्रीमी केक फाइनल लुक की तरफ आ रहा है। अब इसको अच्छी तरह से कोकोनट पाउडर के साथ गार्निशिंग कर लेंगे। कोकोनट पाउडर डालने के बाद इस केक की चेरी के साथ सजावट कर लेंगे। व्यूअर्स, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको इस क्रीमी केक की रेसिपी कैसी लगी है और आप इस वीडियो को किस किस शहर से देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, इससे आने वाली आपको मेरी हर नई वीडियो मिल जाएगी। मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।